बैट्समैन को पूरी तरह खाते हुए अंपायर के द्वारा व्हाइट बॉल का इशारा। और ये क्या छुट्टी और अंतिम प्रेसिंग द मैच बॉल और इस बार उछाल की मराल और देखने ने उठा छुआ इस गेंद को उछाल के मारा है और देखना है कि बाउंड्री पार करती है कि नहीं कर गई और छुपाना ये चाह रहा है इस बार कुछ अटपटे रन से खेल पाए बॉल पूरी तरह बॉल पिटा राइट आर्म और इस गेंद को फिर से घुमा के मारा है और देखना की बाउंड्री पे और ये बहुत शानदार छुआ ऑन साइड पे मीडिया 11 की जीत हुई है। पूरी टीम को बधाई और सारे टीम के मेंबर ने बहुत अच्छा खेला, बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया नया बहुत अच्छा। आज मीडिया की तरफ की जीत हासिल हुई और मैच बहुत रोमांचक रहा। एक अरसे के बाद मीडिया कर्मी जो है इस मैदान पर क्रिकेट खेले हैं। इससे पहले भी हम लोग खेले थे रोटरी क्लब के साथ, लेकिन हमारे एक मित्र हैं वो सचिन जी, उनका पैर टूट गया। उसके बाद से 10 वर्षों के बाद ही हम लोग मैदान में इस बार उतरे हैं तो बहुत ही जोश और खरोश के साथ, और वो जोश जज्बा आज भी बरकरार रहा। उम्र और अच्छी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आपके जज्बा कितने हैं। और कोई भी खेल खेलिए तो जीत की भावना से खेलिए, तो वो हमेशा के लिए, वो उम्र कोई नहीं उसके बाधक न है। जीत पत्रकार भाइयों का है, आपका है, हमारा है, ये हम लोगों के लिए और भी प्रेरणादायक और उमंग का वातावरण है। हम लोगों ने 22 जीता है और ये लगातार दूसरी बार हम लोग मीडिया हाउस कब्जा किया है, क्रिकेट टूर्नामेंट में रोटी क्लब को हराया है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ा मुश्किल से कोई समय निकाला जाता है पत्रकारों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, और रविवार का दिन तो खास करके होता है कि अपने परिवार के साथ कुछ समय दें, पेंडिंग काम को करें। लेकिन जिस उत्साह के साथ लोगों ने खेल का जौहर अपना दिखाया और जितना रन बनाया वो चेज करने में समाज सेवा से जुड़े लोगों को परेशानी आई। हमने बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों क्षेत्र में बेहतर काम किया और उसी का श्रेय है कि हम लोग इस ट्रॉफी को जीतने में सफल रहे। बढ़िया लग रहा है। पटना सिटी मीडिया और बनाम रोटरी क्लब ऑफ पटना सिटी के द्वारा मैच हुई थी, जिसमें पटना सिटी मीडिया हाउस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और जीत हासिल किया है। टीम ने मैच जीता है, बहुत बहुत हम लोग खुश हैं मैच जीत के और हम लोग विनर हो गए हैं। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। पटना सिटी के तरफ से ये फ्रेंडली मैच आयोजित किया गया, रोटरी वर्सेस मीडिया के साथ मैच किया गया, एक फ्रेंडली मैच था और इसके द्वारा समाज में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई कि कोरोना के बाद ये पहला आयोजन है जो सार्वजनिक रूप से किया गया। बहुत ही अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगा, इतनी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए इस मैच को देखने के लिए। इससे साफ जाहिर है कि पटना सिटी में नए संचार का उदय हो रहा है। रोटरी क्लब पटना सिटी ने एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन मंगतलाव के ग्राउंड में किया है। यह फ्रेंडली मैच क्रिकेट पटना सिटी, रोटरी पटना सिटी के टीम और मीडिया बंधुओं के टीम के द्वारा हुआ, जिसमें मीडिया ने जीत हासिल की एक लंबे गैप से, एक लंबे रन से।
उसके लिए सबसे पहले तो मैं मीडिया की पूरी टीम को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनकी पूरी टीम इसी तरह से आगे बढ़े मैं इसकी एक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और रोटरी पटना सिटी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, उस पूरी टीम को भी बड़ी बधाई। और सबसे अधिक बधाई पब्लिकों ने आज इंजॉय किया इस फ्रेंडली मैच को, पूरे पब्लिक को आज का अभिनंदन है और स्वागत है कि इतने सुंदर मैच का आयोजन हुआ और पूरे पटना सिटी पब्लिक ने इसे देखा। मैच तो रोटरी क्लब पटना सिटी ने खेला और कोई 55 उम्र का नहीं होता है, दिल से जब बचपन है तो सब तरह से बचपन ही है। और एक बहुत दिनों के बाद एक बहुत खुशनुमा माहौल में रोटरी क्लब पटना सिटी और पटना सिटी के सारे अखबार के ब्यूरो चीफ के द्वारा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सारे लोगों के साथ मैच हुआ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में। भले मीडिया ने मैच जीता हो लेकिन रोटरी क्लब पटना सिटी का कहीं भी मनोबल गिरा नहीं है। आने वाले समय में जरूर इन लोगों को हराने का काम हम लोग। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ चौक, पटना सिटी। इस मैच के आयोजन के पीछे हमारे अध्यक्ष महोदय जो थे उनका कॉन्सेप्ट था, फिर राजेश वल्लभ जी, रोटेरियन विजय यादव जी, अशोक यादव, अनंत अरोड़ा, इन सबों ने काफ़ी सहयोग दिया था और ये मैच आयोजित की गई थी शशि शेखर रस्तोगी जी के द्वारा और हम लोग उसके भागीदार थे।